खबर जबलपुर से है, जहां शक्ति भवन में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जनता यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग की प्रमुख नीता राठौर और उनकी टीम से मिला है। इस दौरान यूनियन ने श्रमिकों की समस्या रखी है, जिसमें 15 सूत्री मांगों को प्रार्थना पत्र सौंपा गया और जनता यूनियन ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। क्षेत्र के महाप्रबंधक नीता राठौर के साथ पूर्व क्षेत्र के हमारे जनता यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक थी, पर इस बात की निराशा हुई कि मध्य प्रदेश शासन 62 वर्ष शासकीय कर्मचारी की आयु निर्धारित किया है, पर ये लोग मनगढ़ंत आदेश 45 साल में कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, जिसका जनता आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। सैकड़ों डीसी ऐसी हैं जहाँ पे कर्मचारी है नहीं, कौन काम करेगा? जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं 45 साल के हो गए तो उनको निकाला जा रहा है। उसका जनता यूनियन विरोध करती है और उनसे पुनः अपील करती है कि आप उनको 62 वर्ष जो शासकीय नियम बना है। आज दिनांक 23/8/2023 को मुख्य महाप्रबंधक महोदय से 13/2/23 को जनता यूनियन द्वारा जो एजेंडा प्रेषित किया गया उसमें चर्चा हुई। चर्चा में मुख्य बिंदु थे सौभाग्य योजना घोटाला की विधिवत जांच कराई जाए और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। व्यवहारी वितरण केंद्र में जो ऐसे कनेक्शन हो रहे हैं अवैध रूप से, जिसमें क्या कहते हैं पैसा जमा नहीं कराया जाता है, 10 HP का कनेक्शन जनरल जग साहू के नाम से किया गया है और DLNF के कई कनेक्शन किए गए हैं, उनका पैसा जमा नहीं।